मुंबई कुर्ला टर्मिनल ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर लगभग 226 या 225 ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया था। इस कालाबाजारी का विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। बता दें कि ट्रेन नंबर 05645 गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से रोहित ताटे नामक एजेंट ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लगभग 226 या 225 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बोलकर भरे हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर भेज दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी मामला उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चेंबूर विभाग चिटनीस हिमांशु मेकर ने कहा। आइए देखते हैं कुर्ला टर्मिनस से एसटीवी न्यूज संवाददाता नियाज अहमद खान की रिपोर्ट। मुंबईकरों के लिए पहले ही ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में बिहार के लिए 225 बाटले रवाना करना, इस पर आपका क्या कहना है? ये मेरे हिसाब से यहाँ पे तो देखा गया तो सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, रेलवे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी सिक्योरिटी होके भेजना चाहिए था। यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ तो कार्रवाई करो। अभी तक यहाँ पे रोहित टाटे जो जिसने जो भेजा है बिहार में, उस पर कोई कार्रवाई की गई नहीं है। यहाँ पे हमारे लोग, महाराष्ट्र के लोग मर रहे ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण, और ये लोग सीधे पे भेज रहे। इतना कौन सा काला पता चाहिए, इतना क्या पैसा कमाने का भूख लगा है लोगों? मतलब इसमें तो गवर्नमेंट भी शामिल है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है, रेलवे शामिल है, रेलवे के बड़े अधिकारी लोग शामिल है। अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी देखते हैं, हम हमारे हिसाब से देखेंगे, नहीं तो हम मन से शैल से जवाब देंगे सबको। क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि मन से की स्टाइल से आप आने वाला कदम उठा सकते हैं, ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन क्या करता नजर आता है? पुलिस से आपने संपर्क साधा है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? जब पुलिस को पूछे गए तो पुलिस बोलते है GRPF में आते हैं, RPF में आते हैं, RPF वाले पूछे गए तो पुलिस एक्शन लेगी ऐसा बोलते हैं। ये अभी हम लोग इसमें कन्फ्यूज है एग्जैक्टली एक्शन लेगा कौन, अगर कोई नहीं लेते तो हम हमारे हिसाब से एक्शन जरूर लेंगे। अधिकारियों ने नहीं पकड़ा, वहाँ पे बजरंग दल वाले लोगों ने पकड़ा था। वो लोग ने पूरा जो है स्कैम इसने लोग ने पूरा भारी मात्रा में बताया, फिर हमको पता चला हमारे सोर्सेस, फिर हम लोग ने यहाँ पे हाईलाइट किया। यहाँ पे तभी तो कोई एक्शन लिया गया था, कुर्ला टर्मिनस वाले लोग को पता ऐसे थे कि उनको तो पता भी नहीं था। ये तो हमने पूरा हाईलाइट किया, फिर तभी जाके ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके पहले लोग ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? एक दिन पहले तो पता चल गया था वहाँ पे कि ये पकड़े गए, तो रोहित टाटे तो तभी तक तो बिंदास घूम रहा था, उसको सब मालूम था। अभी भी उसके भाई ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका टेबल ये कभी ये लोग बंद करेंगे? ये सब दिख रहा है, सब इलीगल चालू है, कुछ भी इलीगल चालू नहीं है। ये रेलवे वाले लोग ने जल्दी से जल्द कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम हमारे मन से पूरा बंद करवा देंगे। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।